हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है और वो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के है। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0, इसके पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था और पेपर लीक हो गया था और लीक होने के कारण इस पेपर को रद्द कर दिया गया था। और इसके बाद फिर से जो है बच्चों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम फिर से कब होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं यही बताने वाला हूँ आप सभी को। अभी भी सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है डेट का अनाउंसमेंट हो गया है और ये डेट जो है कब है, कब इसका एग्जाम होगा, किस मंथ में होगा, ये सारी चीज़ें हम आप सभी को बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 फेज 3 का एग्जाम पहले हुआ था, फिर कैंसिल हुआ और फिर उसके बाद अब इनकी डेट की जो है घोषणा हो गई है। यहाँ पर आया नया अपडेट। अब इसमें क्या है, न्यूज़18 के मैं आप सभी को पूरा ये पढ़ के बताता हूँ, जो वहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो न्यूज मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं आपको। यहां पे मैं पूरा पढ़ रहा हूं, आप समझते जाइए। न्यूज़18 के संपादक के द्वारा दी गई जानकारी, सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी टीआरई 3.0 की पुनर्परीक्षा अब जून में होगी। कब होगी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है, पुनर्परीक्षा, अब वह जून में होने वाली है। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, 7 जून से लेकर 15 जून के बीच बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर रखा है लक्ष्य। अब यहाँ पे जो परीक्षा का लक्ष्य है वह 7 जून से लेकर के 15 जून तक जो है परीक्षा का वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है, इसका निर्णय लिया गया है। 7 जून से लेकर 15 जून के बीच बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर रखा है लक्ष्य। लक्ष्य प्राइमरी से लेकर प्लस की परीक्षा 15 तक ली जाएगी। मतलब यहाँ पे लक्ष्य जो है ये प्राइमरी से लेकर प्लस की जो परीक्षा है वह 15 जून तक ली जाएगी, यानी 7 जून से स्टार्ट होकर के 15 जून तक जो है इनकी परीक्षाएं यहां पे ली जाएंगी दोस्तों। ये आपकी जो है आपको इनको याद रखना है। आगे यहां पे नेक्स्ट है, जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। जून के अंतिम सप्ताह मतलब जून के अंतिम सप्ताह तक जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी इतनी जल्दी होगी। 7 जून से लेकर 15 जून तक एग्जाम होगा और जून के लास्ट तक जो है इसका जो है रिजल्ट घोषणा करने की जो है यहाँ पे घोषणा भी की जा रही है कि यहाँ पे लास्ट जून तक जो है इनकी घोषणा कर दी जाएगी, यानी रिजल्ट को भी दे दिया जाएगा। तो देखिए इतना जल्दी एग्जाम होगा और इतना जल्दी रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ पे बहुत जल्दी होगा सारी चीज़ें। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक में लिया गया निर्णय। शिक्षा विभाग और यहाँ पे बीपीएससी जो है वह भर्ती बोर्ड हमारा और वहाँ आयोग है, और इसके द्वारा जो दोनों के द्वारा मीटिंग लिया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, रिजल्ट कब आएंगे और क्या क्या सारी चीज़ें, वो परीक्षाओं की तैयारियां क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे उनमें निर्णय लिया गया है और परीक्षा की तिथि को घोषणा कर दिया गया। बाकी अभी इसके बाद जो परीक्षा की तैयारियाँ हैं वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर भर्ती बोर्ड को देखना है, बीपीएससी को देखना है, अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सारी करवाती है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट है, परीक्षा में लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा में लगभग 4.25 लाख, यानी इसके पहले फॉर्म जो फिलअप हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, इसमें 4.25 लाख जो है अभ्यर्थियों ने क्या किया था, इसमें फॉर्म फिलअप किया था। तो जब 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था, उतने ने एग्जाम भी दिया, पेपर लीक हुआ, फिर से इसका एग्जाम होने जा रहा, तो फिर सेम वही बच्चे ही तो रहेंगे, तो वहां पर 4.25 लाख जो है यहां पर बच्चे जो है फिर से इनका री एग्जाम देंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, एक नई अपडेट है, नई अपडेट यहाँ पे एसटेट को लेकर के है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माइंड में है कि एसटेट का कब होगा, टीआरई 3.0 का जो है पहले हो जा रहा है, अब इसके बाद एसटेट कब होगा, तो उसमें भी काफ़ी उनकी भी काफ़ी उम्मीदें लगी हुई है एसटेट को लेकर के, क्योंकि उनको आगे वैकेंसी भी देखनी है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का देखना है। तो वहाँ पे क्या है, उनकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एसटेट पहले हो जाएगा तो फिर तभी हम एलिजिबल हो पाएंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे हम उन सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है अभी तक की जो न्यूज़ है वो अभी यहाँ पे मई के लास्ट में या तो जून के फर्स्ट वीक में जो है इसकी भी घोषणा हो जाएगी तिथि की, कि कब जो है एसटेट का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप सभी बिल्कुल तैयारियाँ अच्छे से करते रहें, मैं मान के चलिए जून के लास्ट तक में भी आपका एसटेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में अगर वहाँ पर तिथि की घोषणा होती है एग्ज़ाम की, तो फिर आपका जून के लास्ट तक में भी यहाँ पर एसटेट की भी एग्ज़ाम कराई जा सकती है।
और अगर यहाँ पे यस जून के लास्ट तक हो सकती है या जुलाई के फर्स्ट वीक भी मान लेते हैं हम, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी होती है, तो फिर आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 है वह आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त में जो है आपको बीपीएससी टीआरई 4 का जो है वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप स्टेट क्वालिफाई हो जाओगे तो आगे के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर जम के तैयारी करिए और यहाँ पर मेहनत से अपना स्टेट निकालिए, जो भी स्टेट में लगे हुए हैं वो स्टेट की अच्छी खासी तैयारी करते रहिए। और मैं उनको साथ ही साथ में एक देना चाहूंगा, यहां पे स्टेट के साथ साथ में आप बीपीएससी टीआरई 4 का भी साथ साथ में सिलेबस को पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि हमको बीपीएससी टीआरई 4 देना है और बीपीएससी टीआरई 4 देना है तो उन्हीं दोनों के क्रम में अगर हम वहां पे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा कि एक साथ में, क्योंकि बाद में टाइम आपको नहीं मिल पाएगा, आप स्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइम ज्यादा नहीं मिल पाएगा जिससे आप टीआरई 4 को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, तो वहां पर मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए जो है दोनों को साथ में लेके चलिए, आप टारगेट बना के चलिए कि हमको बीपीएससी टीआरई 4 देना है और उसी के साथ में अपना एस्टेट की भी तैयारी अच्छा खासा करते चलिए। अगर एस्टेट क्वालिफाई होते हैं तो तभी बीपीएससी टीआरई में 4 में आपको चांसेस मिलेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, ये बड़ा न्यूज़ था, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ों की जम के तैयारी करिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको एक बार फिर से चांस मिला है, एक बार मौका मिला है बीपीएससी टीआरई 3.0 को फिर से देने का, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को काफ़ी नुकसान तो हुआ है लेकिन फिलहाल एक मौका और मिला है। जिन बच्चों का बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 में, अब उनको फिर से मौका मिल गया है, लेकिन अब की बार का जो पेपर होगा वो बहुत टफ होगा, तो अपने एक अच्छे लेवल की तैयारी करिएगा जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करना। थैंक यू तब तक के लिए, और फिर से मिलते हैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो में। जय हिंद।